परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद नवाज, तो ये सारे लड़के ऐसे हैं। अभी हम जो प्रैक्टिस मैचेस कई खेले हैं उसमें जो अच्छी चीज़ें, जैसे समी असलम ने दो मैच परफॉर्मेंस नहीं दी, स्टिल नीचे से लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब जो है वो एज ए टीम लड़के खेल रहे हैं, किसी एक पे डिपेंडेंट हम नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। इसके अगर कोई एक नहीं करेगा तो इंशाल्लाह दूसरा करेगा, हमारे पास उसका बैकअप है। इसी तरह बॉलिंग में भी हमने पूरी अपनी प्लानिंग की हुई है कि अगर एक लड़का पावर प्ले में नहीं बॉलिंग करेगा नहीं दूसरा करेगा। तीन चार हमारे पास बॉलर ऐसे हैं जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, और अच्छा जो है ना इसी तरह जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर लड़के की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बताई जाए, हर लड़के का रोल उसको समझाया जाए, और हर लड़के को ये चीज़ समझ में आए कि एक्चुअल किस सिचुएशन में तुमने कैसे रिस्पॉन्ड करना। अच्छा सभी भाई, जैसे कि आपने बताया कि लड़के बड़े रिस्पॉन्सिव हैं, बड़े वेल मैनेज्ड हैं, अच्छे लड़के हैं, सारे के सारे पिक करते हैं बात को, फौरन उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और अच्छे तरीके से खेलते हैं। टीमों का सारे को आपने एनालिसिस किया, ऑस्ट्रेलिया डिफाई पोजीशन में है, भारत ने हमें जूनियर एशिया कप में बड़ा टफ टाइम दिया है, न्यूजीलैंड टीम अच्छी है, पाकिस्तान गो खुद भी रनर अप रहा है, इसी तरह दीगर टीमें हैं, तो इस सारे टूर्नामेंट को देखते हुए फेवरेट टीम आपकी जो क्रिकेट एक्सपर्टीज़ हैं उसमें कौन सी होगी, ये ज़रा हमें बताइए। इसमें देखें कोई प्रेडिक्शन थोड़ी मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारी टीमों का हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, स्पेशली जिन टीमों के खिलाफ हम लोगों ने खेलना है हमने पूरी उनकी एनालिसिस पूरा किया हुआ है कि हमने क्या करना है। हमने पूरा अपना एक प्लान बनाया हुआ है कि अफगानिस्तान से मैच है या स्कॉटलैंड से है या न्यूजीलैंड से है तो हमने क्या करना है, हमने हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं और उनके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कौन सी हमारे वीकर साइड है जिसको हमने कवर करना है। तो ये सारी आज आपको पता है आजकल क्रिकेट जो है वो काफ़ी एडवांस हो गई हुई है, काफ़ी साइंस है, आप बग़ैर प्रिपरेशन के जो है वो आउटसाइड प्रिपरेशन जो है जो पूरी जो है टीमों की एनालिसिस उसके बगैर आप नहीं खेलने जा सकते। तो वो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, इंडिया की टीम बड़ी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पे डिफेंड कर रही है, ज़ाहिर अच्छी टीम है, साउथ अफ्रीका के साथ हम खेल के आए थे, तो इसलिए कोई प्रेडिक्शन करना। फिर आपको पता है कि जूनियर लेवल पे हमेशा से पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसलिए ये बड़ा एक जो है कांटेदार किस्म का ये वर्ल्ड कप होगा मेरे ख्याल में। और टीमें इसमें जिस तरह अपनी तैयारी कर रही हैं, जिस तरह हम लोग पूरा उनका रिकॉर्ड डेटा इकट्ठा कर रहे हैं पिछले एक साल से सारी टीमें जो है इस वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही हैं, तो ये अब डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी कंडीशंस को अडॉप्ट करता है और कितना जल्दी लड़के उस कंडीशंस के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि बिल्कुल एडजस्ट, कौन जो जितनी जल्दी एडजस्ट करेगा, जो जितना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करेगा उसके जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे कि हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली होता है कि बाउंसी विकेट्स होती हैं, क्या उन बाउंसी विकेट्स को सहारने के लिए, समझने के लिए हमारे बैट्समैनों की तैयारी मुकम्मल है? फिर सेकंड वन ये बताइएगा कि उन विकेट्स पर, चूंकि हमारे बॉलर्स जो हैं नो डाउट के पाकिस्तान का हमेशा बॉलिंग जो है खासा रही है, क्या इन हमारे बॉलर्स की इतनी तैयारी है कि वो जो एक्स्ट्रा बाउंस है, यॉर्कर है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं ये हमारे बॉलर्स कर सकें, कुछ ऐसा बताइएगा हमें। बिल्कुल, देखें जो पिच का जैसे बाउंस है या उसमें बैटिंग, बैट्समैनों को बिल्कुल जो है वो मेंटली और टेक्निकली उसको उन पर उसके साथ बात की हुई है, उनके साथ थोड़ी ड्रिल्स की हुई है कि एक्चुअल बाउंसी पिचेस पे कैसे खेलना है, उसको कैसे एडजस्ट करना है। यस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है लेकिन जो हमारे जो बैट्समैनों की एबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह हम जल्दी जो है वो उसको एडजस्ट करके कर लेंगे, और अगर जितना जल्दी एडजस्ट करेंगे मेरे ख्याल में उतना ही ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर बैटिंग करना आसान हो जाता है। और उसमें दो तीन शॉट्स ऐसे हैं जो हमें बड़े जो है ना लड़कों को बार बार हमारी डिस्कशन के अंदर है कि वो वाले शॉट कैसे खेलने हैं, कैसे तुमने बैट रखना, तो ये सारी चीज़ें बाउंसी पिचेस के ऊपर बॉलिंग भी डिफरेंट है, उसकी लाइन भी डिफरेंट है, उसकी लेंथ भी डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पहले दो तीन मैचेस हैं उसमें लड़के इंशाल्लाह जो है वो एडजस्ट कर जाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे सभी अज़र जो पाकिस्तान जूनियर टीम के
कोच हैं और बड़े बाहिम्मत हैं, बड़े मेहनती हैं, और इन्हीं की कारकर्दगी का पेशकदमा है कि पाकिस्तान की जूनियर टीम जो है वो जूनियर एशिया कप के फाइनल तक पहुंची। उन्होंने हमें आगाह किया कि पाकिस्तान की टीम जो है मुकम्मल प्रिपेयर है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, पाकिस्तान की टीम के पास हर किस्म की तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद है, पाकिस्तान के बैकअप कैंप में हर चीज़ मौजूद है। तो हम मज़ीद जो है मतलब इनसे एक और बात पूछने की कोशिश करेंगे कि हमें ये बताएं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि पाक को जो भी एडजस्ट कर जाएगा, जो भी प्रेशर ले जाएगा, वो वहाँ पे जीत पाएगा, क्या हमारी टीम जो है हम इसको क्या ग्राफ में कहाँ पे रखें, क्या हम फाइनल की उम्मीद लेके जा रहे हैं, टाइटल जीतने की उम्मीद लेके जा रहे हैं, हमारा टारगेट? देखिए जी, फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब से हम साउथ अफ्रीका की पहले जब से ये लड़की टीम इकट्ठी हुई है, हमारा एम जीत है। हमने लड़कों को मेंटली सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार किया है और वो जीत है। हम हारने के लिए नहीं जा रहे, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। डिटर्मिनेशन सुनी आपने, और इसके बाद हम आगे एक आध क्वेश्चन जो है वो और करते हैं, और हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बैट्समैन है, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कम्बिनेशन जो है, उसके बारे में हमें कुछ आगाह कीजिएगा। ये एक जो है ना पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे पास 5-6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है वो हमारे बैटिंग ऑर्डर में मौजूद हैं। इवन हमारे नीचे जो टेल एंडर्स, उसमें उस्मान सईद, उस्मान कादर और ऐसे लड़के जो हैं वो भी लेफ्ट हैंडर हैं, और ये एक बड़ा अच्छा साइन है। और आपको पता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कम्बिनेशन है वो हमने बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि कोई एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अंदर हो, या दोनों लेफ्ट हैंड भी अंदर हो, तो वो ज़ाहिर है टीमों की और जो है वो बॉलिंग की लाइन उसको डिस्टर्ब करती हैं स्ट्रेटजी को। तो ये एक अच्छा साइन है कि हमारे पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस दफ़ा थोड़े ज़्यादा हैं। सही, तो ये हमें कितना फ़ायदा देंगे, मतलब एडवांटेज होगा हमें? मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो तभी है कि ये स्कोर करेंगे तो फिर ही फ़ायदा है, लेकिन ये है कि दूसरी टीम को थोड़ा सा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, सभी भी मुझे ये बताइएगा बिल्कुल कि डेफिनेटली लेफ्ट हैंड बैट्समैन दूसरों की बॉलिंग लाइन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, हमारी अपनी जो स्पिन बॉलिंग लाइन है उसको किस नज़र से देखते हैं? जफर गोहर है, उस्मान कादर है, क्या देखते हैं, मतलब हमारी स्पिन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके बाद स्पिन बड़ा काम करती है। नहीं, मैं वो आपको पहले भी बताया कि हमारी जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बड़ा मैच्योर है, और बड़े तीनों स्पिनर्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। चौथा बाबर आजम भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा ऑफ स्पिन बॉलिंग करेगा, बाकी दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो हैं वो दोनों अभी पिछले हम काफ़ी दिनों से उनको, उस्मान कादर को, इन सबको तैयारी ही इस तरह से करवाई जा रही है कि वो जो है वो पावर प्ले किसी भी सिचुएशंस में उनको बॉलिंग करनी पड़े वो करेंगे। अच्छा, हमने कोई मैकेनिक्स स्टडी की है, जैसा कि अभी इंतखाब आलम से भी बात हुई थी सीनियर टीम के बॉलिंग कोच के वाले से, तो उन्होंने कहा था कि जो जिसकी मैकेनिक्स अच्छी होंगी हमें वो वाला कोच चाहिए, हमारे यहाँ यहाँ पे हमारे बॉलर्स के लिए जो मैकेनिक्स है उसको क्या स्टडी किया है हमने, कैसी जा रही है उसकी स्टडी? एक्चुअली बात यह है कि मैकेनिक्स की जो स्टडी है वो फॉर द कोचेज है, उसमें प्लेयर का कोई ताल्लुक नहीं है। मैकेनिक्स अगर कोच को पता होगी तो वो किसी भी बॉलर के एक्शन में या उसको उसको देखने में, उसको परखने में उसको आसानी होगी। तो बाकी अभी फ़िलहाल जो वो एक किसी भी बैट्समैन की या बॉलर की डेवलपमेंट में वो काम आती, इस वक्त बॉलर हम डेवलप कर नहीं कर रहे, इनके कोई एक्शंस पे कोई काम नहीं है या इनकी टेक्निक पे। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए, चलें ठीक है इस चीज़ को छोड़ दें, हम देखते हैं कि हमारी जो फील्डिंग है, जैसे कि हमारी सीनियर टीम का फील्डिंग का मैार नीचे होता है, हमारी जूनियर टीम की फील्डिंग कैसी है और क्या कोऑर्डिनेशन मिली है आपको जूलियन फाउंटेन से? जूलियन फाउंटेन ने अभी 2 दिन लड़कों के साथ लगाए हैं, लेकिन हमारा इंशाल्लाह कोशिश जो पिछले काफ़ी 4-5 महीने से जो भी दो हमने टूर किए हैं, फील्डिंग हमारी सेटिस्फैक्ट्री रही है। मैं नहीं कहता कि एक्सीलेंट रही है, लेकिन सिवाय 1-2-3 कैचेस के या कुछ है, हमारी ग्राउंड फील्डिंग लड़कों ने बहुत इम्प्रूव की है। फिर आपको पता है अभी 2 इंडिया के साथ मैच खेले, उसमें काफ़ी प्रेशर आया, ज़्यादा फील्डर्स पे प्रेशर आता है, तो काफ़ी लड़कों ने जो है ना फील्डिंग में इम्प्रूव किया हुआ है, ग्राउंड फील्डिंग जो है उसमें सिंगल्स और डबल्स को रोकना, और सिर्फ हमें जो अभी ज़रूरत है थोड़ी सी स्लिप कैचेस हम ज़्यादा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्लिप कैचेस इम्प्रूव हों, कैचिंग थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी ओवरऑल हमारे पास अच्छा फील्डिंग साइड है। सही,
जैसा कि हमें सभी अज़र ने तमाम गाइड किया, सारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जूनियर एशिया के साथ जूनियर खेलने वाली जूनियर एशिया कप का फाइनल खेलने वाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि बहुत तैयारी में है और बड़े कॉन्फिडेंट हैं सभी साहब के पाकिस्तान की टीम जो है वो एक जीत का आज़म लेकर जा रही है। और उनका ये कहना कि हमारा टारगेट कोई टॉप फाइव, टॉप थ्री, टॉप टू नहीं है, बल्कि हम जीत के लिए ये अपना आज़म लेकर जा रहे हैं, हम वहाँ पर जीतेंगे और यही हमारा आज़म है। और अपनी जीत की उम्मीद को पूरा करने के लिए हमारी दुआएँ इनके साथ हैं, कौम की दुआएँ इनके साथ हैं और इंशाल्लाह ये जीतेंगे भी। इसके अलावा इनका टोटल जो फोकस रहा है इस पूरे कैंप में, फील्डिंग पे, बॉलिंग पे, बैटिंग पे, सभी अज़र की तमाम गुफ्तगू से हमें ये लगता है कि पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है इसकी तैयारी जो है ना सिर्फ तकनीकी महारत को सामने रख के की गई है बल्कि बैटिंग को, बॉलिंग को समझने, सीखने और परखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो माहौल है उसकी एडजस्टमेंट के लिए भी खास तैयारी की गई, टीम में कुछ जो बाउंसी विकेट्स हैं उनको फेस करने के लिए बैट्समैन को कुछ ना कुछ समझाने बुझाने की कोशिश की गई। फिर जैसा कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो नेशनल टीम है उसके जो फील्डिंग कोच हैं जूलियन फाउंटेन जो हैं, उन्होंने भी आके इस इन जूनियर लड़कों को थोड़ी तरबियत फराहम की है और वो भी टीम के साथ हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, होपफुल हैं सभी अज़र, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि पाकिस्तान की टीम, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसा जज्बा लेके जा रहे हैं कि हम उस इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते हैं और हम जीत के लिए जा रहे हैं, ये वो बात है। नाज़रीन यहाँ पे हमारी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है लेकिन हम आपको ये बता दें कि दूसरे हिस्से में हम टीम के मैनेजर हारून रशीद के साथ जो गुफ्तगू है वो भी करेंगे और इसके अलावा हम पाकिस्तान जूनियर टीम के कैप्टन और दीगर खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएँगे और अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।